नमस्कार, मैं रीना, आप देख रहे हैं विंद भारत। लोकायुक्त रीवा की बड़ी कार्रवाई, इस बार हत्थे चढ़ा डिप्टी रेंजर, जिसे 20,000 की रिश्वत लेते लोकायुक्त पुलिस ने वन चौकी परसमानिया में स्थित उसके ऑफिस पर रंगे हाथों पकड़ा। तलाशी के दौरान 1,00,000 और एक पिस्तौल भी बरामद हुई है, जिसके खिलाफ शिकायतकर्ता मुन्नू पांडे निवासी ग्राम महाराज कुरैसी तहसील उचेहरा जिला सतना ने शिकायत की थी। लोकायुक्त ने शिकायत की जांच कराई, शिकायत सही पाई जाने पर आज यह कार्रवाई की गई। डिप्टी रेंजर के साथ अनिल मांझी बीट गार्ड वनचौकी परसमानिया जिला सतना को भी आरोपी बनाया गया है। हम आपको बता दें पूरा मामला क्या है। वनचौकी परसमानिया स्थित आरोपी धीरेन चतुर्वेदी डिप्टी रेंजर के खिलाफ शिकायतकर्ता मुन्नू पांडे ने शिकायत की कि उसकी फॉर्म की जेसीबी 24 मई को पहाड़ी परसमानिया रोड पर चल रही थी, तभी परसमानिया वनचौकी के डिप्टी रेंजर धीरेन चतुर्वेदी अपने साथियों के साथ आए और कहने लगे कि तुम लोग वन क्षेत्र में खुदाई कर रहे हो, पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हो, झूठा पंचनामा बना लिया और हमें वहां से भगा दिया, हमारा काम रोक दिया और बाद में कहने लगे कि तुम्हारी जैसी भी रात 7 बजे तक राजसात हो जाएगी। इस बात का डर दिखाकर पहले 50,000 रिश्वत की मांग की गई थी, बाद में 30,000 देना तय किया गया। शिकायत सत्यापन के दौरान 5,000 के लिए गए थे, 20,000 आज लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया गया। ट्रैप कार्यवाही के दौरान आरोपियों के पास से 1,00,000 नगद और एक पिस्तौल भी बरामद हुई है। इनको भी प्रकरण में जब्त किया गया। प्रकरण में आर्म्स एक्ट की कार्यवाही भी की जा रही। ट्रैपकर्ता अधिकारी निरीक्षक प्रमेंद्र कुमार लोकायुक्त कार्यालय रीवा की 15 सदस्यीय टीम ने कार्यवाही की। इस बारे में हमने लोकायुक्त SP रीवा गोपाल सिंह धाकड़ से बात की, आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। इसमें एक शिकायतकर्ता है मुन्नू पांडे, ये जो है सबलेट पे ठेका लेते हैं, इनका ठेकेदारी का काम है। पाइपलाइन जो जल की पाइपलाइन योजना के तहत जो उसमें सतना में जो पाइपलाइन जाना है, जिसमें पानी की सप्लाई आम लोगों को होना है, उसका ठेका L&T कंपनी को मिला हुआ था। L&T कंपनी ने वो ठेका इनको सबलेट किया काम के लिए। उसी तारतम्य में बहुत सारी उसमें जंगल वन विभाग की भूमि भी आती है उसके अंदर में, हालांकि उससे NOC ले ली गई थी और उसमें कलेक्टर सतना के आदेश में मेंशन है इसमें से पाइपलाइन बिछाई जाएगी, सारी अनुमतियाँ थी। उसके बावजूद भी वन विभाग के डिप्टी रेंजर मिस्टर धीरेन चतुर्वेदी हैं और एक उनका बीट गार्ड है अनिल मांझी, इन लोगों ने जो है उसका जब काम चल रहा था मुन्नू पांडे का, तो परसमानिया जाकर उसका जो है एक तो काम रुकवाया और JCB जब्त कर ली, जो कि अनऑथराइज था। जब्त करने पर उसके वन विभाग की धाराओं के तहत मुकदमा कायम करने का भी डर दिखाया गया। उसी के एवज में जो है शुरू में 5,00,000, बाद में 1,00,000 और फिर 30,000 पर मामला सेटल हुआ। पूर्व में इनके द्वारा दोनों के द्वारा 5,000 रुपये ले भी लिए गए, JCB नहीं छोड़ी गई, इससे वो परेशान हो गया था ठेकेदार बहुत। फिर उसके बाद उसने जो है यहाँ पर लोकायुक्त रीवा में उसकी शिकायत की, उसका हमने सत्यापन कराया। सत्यापन के बाद आज दिनांक को परसमानिया जो बन चौकी है वहीं जाकर लोकायुक्त की टीम ने डिप्टी रेंजर धीरेन चौधरी और अनिल मांझी को 20,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए हमने आज गिरफ्तार किया है। इसी तारतम्य में जब उनके घर की सर्च कराई गई तो उसमें 1,00,000 रुपये नगद और एक पिस्टल जो अवैध है, लाइसेंस इसका अभी तक नहीं मिला है, को हमने जब्त किया है। अभी जो है मैयर रेस्ट हाउस में आगे की कार्रवाई जारी है। 5,000 रुपये पहले दे चुके थे।